हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टू व्हीलर्स इंडिया। दोस्तों, देश की पहली कार निर्माता कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स अब अपनी दूसरी पारी के लिए तैयार है। जी हां, एम्बेसडर कार की निर्माता हिंदुस्तान मोटर इस बार एक इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में वापसी के लिए तैयार है। कंपनी ने कोलकाता के पास अपने प्लांट हिंद मोटर्स में इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के लिए एक यूरोपियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। शुरुआत में कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना बना रही है, जबकि बाद में कंपनी एक इलेक्ट्रिक कार भी ला सकती है। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदुस्तान मोटर्स और यूरोपियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर के बीच एक समझौता साइन हुआ है। समझौते के अनुसार यूरोपियन वाहन निर्माता हिंदुस्तान मोटर्स को टेक्नोलॉजी साझा करने के साथ साथ फंड भी देगी। हिंदुस्तान मोटर्स और यूरोपियन ईवी कंपनी के बीच 51:49 के रेशियो से जॉइंट वेंचर शुरू होगा, जिस पर हिंदुस्तान मोटर्स का नियंत्रण होगा। अगर हिंदुस्तान मोटर वापसी करता है तो ये भारत में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। आजादी के समय से ही अपने शानदार इतिहास के बाद 2014 में एम्बेसडर कार का निर्माण बंद कर दिया गया था। एक दौर था जब एम्बेसडर कार को लेने के लिए लंबी वेटिंग होती थी और मंत्रियों से लेकर सभी सरकारी अफसरों की पहली पसंद भी थी। मारुति 800 जैसी सस्ती कार आने के बाद और रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने और तकनीकी रूप से अपग्रेड ना होने के कारण एम्बेसडर कार की बिक्री कम होती गई और 2014 में कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। वर्ष 2017 में सी के बिरला ग्रुप ने एम्बेसडर ब्रांड को यूरोप की पोर्च ग्रुप को बेच दिया और अब फिर दोबारा से हिंदुस्तान मोटर्स कानपुर की LML की तरह इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ भारतीय बाजार में वापसी करने के लिए तैयार है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।